वेलकम बैक ऑल राइट पीपल। तो अपना सारा लगेज तैयार है इधर, और ये अपना हाइड्रेशन बैग, इसको लटका लेते हैं भाई। टलता ही देख लो, जो हमने रूम ले रखा था ये रूम था भाई, ठीक है। तो ये खाली कर दिया, तो ये होटल से बाहर का व्यू था। तो सामान कर दिया हमने सारा पैक। तो कल रात को भाई हम आ गए थे यहाँ पे 9:30 बजे, और ये हमने रूम ले लिया था अपना यहाँ से। तो कल की जो हमने जर्नी को एक्सप्लोर करा ना, तो वो था 600 किलोमीटर। और भाई सांस इसलिए फूल रहे, जो हमारे पार्टनर है ना, उनको रूम करने के लिए भेजा था देखने के लिए, और उन्होंने भाई 5th फ्लोर पे रूम ले लिया। पूरा लगेज ऊपर चढ़ाना, पूरा नीचे उतारना, हालत हो गई पतली। तब तक कुछ नहीं है, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे, मिलता हूँ मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। तो कैसे हो जम्मू के लोंडो? तो आ रहे हैं हम कश्मीर ले लद्दाख ट्रिप करने अपनी। अभी इसमें फ्यूल भी डलवाना, 2 पॉइंट फ्यूल बचा इसके अंदर। अब देखो भाई, थोड़ा यहाँ से मार्केट से ना, ये मार्केट एरिया से निकल जाए थोड़ा, जब शांति सी मिलेगी, क्योंकि जाम मिल जाएगा, इसलिए मैं पहले ना सुबह सुबह चलने की बोल। फाइनली गाइस, ये देखो हमने पहाड़ों में एंटर कर चुके हैं, और ये देखो ग्रीनरी अब देखने को मिलेगी भाई, जो असली ग्रीनरी। जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे ना, तो वैसे वैसे आपको व्यू मिलते जाएंगे, और आपको व्यू दिखाने तो बनते हैं ना। देख लो, ये देखो सामने का व्यू देखो भाई साहब, आगे अभी 4 का हाईवे आ जाएगा, इससे आगे चल के आएगा चेनानी टर्नल, जिसमें से हम फर्स्ट टाइम निकलेंगे भाई। इस राइड के लिए ना कई सालों से प्लान किया, कई सालों से बार बार प्लान बने और टूट गए, मगर आज वो टाइम आया है 2024, जिसमें हम अपनी ड्रीम राइड को पूरा करने जा रहे हैं। तो इस ड्रीम राइड को उनका हर हर महादेव बोल के अपनी राइड को कंप्लीट करेंगे। जो तो भाई ये हाईवे आ गया है, और इस हाईवे पे 4 लाइन का हाईवे है ये। किलोमीटर चल चुकी है, और यहाँ हो रहा है 95 पर लीटर, 0.61 पेट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पे भराते हैं टंकी फुल, और उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ तो फ्यूल डलवा रहे, ये तीसरी बार डल रहा है ना फ्यूल। पहले कितने का डलवाया था हमने? पहले 1000 का, फिर 1000 का, एक बार 1000 का डलवाया, फिर 820 का, फिर 820 का डला। अब देखते हैं कितना आएगा इसमें फ्यूल। ऑटो कट पे लगवा दिया पूरा, क्योंकि भरवाना नहीं, 1000 का ही कर दो। तो टंकी फुल हो गई ऑलमोस्ट, 1000 में आया 10 लीटर। कितना कितने रुपये लीटर पेट्रोल है इधर? 95.63। चल ठीक है, आगे लग रहा है जाम। अच्छा, आगे टोल प्लाजा है ना, इसलिए जाम लगा हुआ है। ये टोल है, ज़्यादा लंबा जाम नहीं है, थोड़ा ही बहुत है, टोल प्लाजा पड़ेगा आगे। और ये व्यू देखिए पहाड़ों के, इससे अच्छे अच्छे व्यू मिलने वाले आगे। और ये पढ़िए, वो ये पढ़ो कौन सी भाषा लिखी हुई है, उर्दू में लिखा हुआ है सारा, वो ही तो है। मगर खाली बाइक का लोड, बाइक का अगर हल्का से भी कहीं से साइड लगी ना, तो सीधा मेरे साथ हुआ है ये सीन, पता है, बैलेंस अन बैलेंस। मेरे साथ क्या हुआ, एक बार मैं वहाँ गया था, ये तेरी भाभी को लेके, वो बद्रीनाथ, तो बस वाले ने टच कर दी थी भाई, मैं पूरा निकाल ले इधर से निकल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम यू। ये देखिए भाई, अभी तो पता नहीं ऐसे कितनी टर्नलें पार करनी है हमारे को। टर्नल में से भी निकलने का एक अलग ही मज़ा है यार। टर्नल नंबर 1st। टर्नल नंबर 2, पहाड़ काट काट के भाई कितनी बढ़िया टर्नलें बना रखी है यार।
तो ये जो भाई टर्नल देख रहे हो ना, ये हमारे रास्ते को ना काफ़ी शॉर्ट कर देती है अगर टर्नलें ऐसी बना देते हैं तो। अब इसने कम से कम 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस तो ख़त्म कर दिया होगा। टर्नल नंबर 3, अब गिनते जाओ टर्नल आप। टर्नल नंबर 3, वो ये है भाई चंद, इसका पता नहीं भाई, कम से कम 3-4 किलोमीटर की टर्नल है शायद ये। ये यहाँ पे ओपन हुई और ये फिर 3-4-5 वन वे की टर्नल है या टू वे है ये? अच्छा, उधर से एग्जिट करने के लिए दूसरे अलग है, यू टर्न भी दे रखा है इसमें बीच में। ये देखो भाई, अब यहाँ से हम आ गए बाहर। तो इसने कम से कम अपना 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर दिया होगा या ज़्यादा। कि भाई हम अलग ही दुनिया में। एक्सीडेंट देखो यार, कि साइड में चले करो। तो भाई हम कितना साइड में चले, हम तो आपको देख के स्लो हुआ है ना, क्योंकि आपने हाथ दिया मार को, तो आगे से चैंपियन जा रहा था उसकी वजह से हम आपको देख के स्लो हुए, तो ये हमारे को कह रहा है स्लो, तो ये गलती हमारी है या आपकी है? तो हम तो अपनी जगह पे चल रहे हैं, अपने लाइन में चल रहे हैं, आप ही बताइए यार, कमेंट में बताओ। तो भाई यहाँ पे खाना खाते हैं, थोड़ा पेट पूजा, फिर काम। होटल वाले के पास स्पेस नहीं था बैठने का, तो हम अब आगे चल के खाना खाएंगे। स्कैम पता क्या हुआ, अभी बहुत तगड़ा स्कैम हो गया, पूरी टर्नल की वीडियो शूट कर ली और वहाँ पे पता लगा कि माइक का तार, वो वायर ही निकल रही थी, क्योंकि अभी बीच में गोप्रो हैंग हो गया था, उसकी वजह से बैटरी निकाल के अंदर बाहर करी, चलते चलते वो डाल लगाना भूल गए। क्या क्या स्कैम होते हैं भाई। चलो कोई नहीं, राइड पे
ये स्कैम स्कैम तो चलते रहते हैं, तो छोटी मोटी बात है, मगर आपके लिए तो वीडियो में तो कंटेंट में जान डालनी पड़ेगी ना, बनता है ना भाव। हेलो सर, बोलिए। अपने साथ भी यही हो गया दादा, अपने साथ भी यही हुआ है। हाँ जी, माइक का वायर बाहर निकली हुई थी। खोड़ा पहाड़ निकला चूहा। तो भाई अभी पता क्या हुआ, एक स्कैम तो हो गया था अपने साथ, और वो स्कैम हुआ पंकज भाई के साथ जो अपने साथ राइड पे चल रहे हैं। चेनानी टर्नल की वीडियो पूरी शूट करी उन्होंने भी, मगर भाई माइक की वायर लगाना भूल गए वो भी अपने गोप्रो की। अरे भाई साहब क्या स्कैम हो रहा है इसमें चले क्या? हाँ चले। तो ये है अमर पंजाबी ढाबा। तो भाई यहाँ पे अपना लंगर ख़त्म हो चुका है, अभी लंगर बट रहा था, यहाँ पे लंगर खाया हमने। तो ये टर्नल नंबर 7, सातवीं टर्नल है भाई ये। तो आसान थोड़ी ना दादा। चलता रहा, अभी रोकियो मत कहीं। देख वहाँ तक है, देख ऊपर भी ट्रैफिक रोक रखा है। वो तो कोई बात नहीं, बट ऐसा गंदा वाला ट्रैफिक है। अंटू बैग में डाल दो। हेलो हेलो। हाँ, और बैग में ना मेमोरी कार्ड और डिब्बी में डालना, वो छोटी पतली डिब्बी होगी मेमोरी कार्ड वाली। फर्स्ट में ही निकाल लियो। देख लो भाई ये क्या मट्टी, देख लो मट्टी। भाई जाम देख लो कितना गंदा लग रहा है। ये है भाई लद्दाख आसान, इसलिए नहीं बोलते लद्दाख आसान है। ये देख लो मट्टी, ये देख लो, और जैसे स्लाइड का एरिया देख लो, और ये सारा पूरा मट्टी मट्टी है, सारे कपड़े मट्टी में हो गए। तो चलो मिलते हैं आपसे आगे। ऐसे आगे ना अमरनाथ यात्रा के आगे, अब आने वाले टाइम में ना अमरनाथ यात्रा चालू होने वाली है 29 जून से, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड मिलने वाला है। तो उसके बीच में तो भाई अमरनाथ यात्रा के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत पब्लिक आने वाली है इधर, और रोड की कंडीशन देख लो आप। और अगर आप आ रहे हो ना, जैसे ही आप अपनी लाइन में चल रहे हो ठीक है, मगर आप ट्रैफिक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ मत करिए, क्योंकि उससे आप भी जल्दबाजी में कुछ मिसिंग कर जाओगे और सामने वाला भी। तो अपना लाइन वाइज लाइन चलते रहिए, सबसे बढ़िया ये है। अब ओवरटेक करने को जा सकते हैं, मगर क्या फ़ायदा, आगे तो नहीं जा पाएंगे ना हम। निकाल दे इधर को, आ जा लेफ्ट में, आ जा लेफ्ट में। आजा लेफ्ट में, आजा। आ रहा हूँ, मेरा वजन ना पूरा राइट पे जा रहा है, पता नहीं ज़्यादा नहीं जा रहा था, अब जा रहा है। इधर दो बार गाड़ी टेढ़ी हो गई और पानी पानी में, जब कान पर भी पानी की वजह से। एडवेंचर कैसा हो रहा है? सुपर।
कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे अपने एडवेंचर के बारे में? लिटरली ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये मेरा सबसे दूसरा एडवेंचर है। तो फाइनली गाइस ये देखिए डल लेक, और हम हैं डल लेक के किनारे, और ये देख लीजिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी डल लेक नॉर्थ। यहाँ पे देखिए ये वेलकम टू श्रीनगर। तो भाई ये आप देख रहे हो, देख लो क्या भाई क्या प्रॉपर्टी है। तो मैं पहुंच गया था श्रीनगर। श्रीनगर भाई इतना एक्सट्रीम हो गया श्रीनगर पहुंचना, क्योंकि ना पूरे रोड पे काम चल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। जब आप कभी इन फ्यूचर कभी आओगे ना, तो श्रीनगर आपके हिसाब से वीडियो में देख लेना, और उसके बाद जब भी आओगे तो आपको सारा चेंज मिलेगा। और ये प्रॉपर्टी देख लीजिए जहाँ पे हमने रूम लिया है, ये देखो डबल बेड, सिंगल बेड और वो डबल बेड, हमें चार, और ये हमारे को रूम पड़ा भाई। रूम हमारे को ना कहीं पे भी जा रहे थे कम से कम 3500, 4000, 5000 इतने में रूम मिल रहा था। और हाउस वोट का जो रूम का हाउस वोट के रूम की बात करी जाए ना, हाउस रूम वो 5000-5000 रुपये मांग रहे थे, और ये इतना सस्ता रूम मिल गया हमारे को 2200 रुपये में। ये देख लो प्रॉपर्टी देख लो भाई, इतना अच्छा रिजनेबल प्राइस पे मिल गया है। इसका मैं ना डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा, और इस होटल का नाम एड्रेस, आप कभी भी आओ तो आप होटल को बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ से बाहर डल लेक का व्यू देखने। तो मैं आपको डल लेक का व्यू दिखाता हूँ। अगर आपको ये लद्दाख सीरीज अच्छी लग रही हो ना, तो चैनल को क्या करना, चैनल को करना लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और वीडियो को करना शेयर। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे बाहर। तो भाई आज का खाना हो रहा हमारा श्रीनगर में, और खाने में क्या है, दाल कढ़ाई पनीर चावल। और टाइम कितना हो रहा, टाइम हो रहा है 1 बजे रहा होगा, 1 बजे हम खाना खा रहे हैं। ये होती है राइडर लाइफ। ये देखो नींद आ रही है, तो 1 बज गया क्या,